सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि अनुपात समानुपात में आपको पढ़ा रहा था, ठीक, तो उसकी एक क्लास जो बेसिक था उसमें वो मैंने आपको सब बता दिया है। आज हम उसकी दूसरी क्लास लेकर चलेंगे, क्लास दो, तो इसमें भी लगभग 3 या 4 क्लासें हो जाएंगी अनुपात समानुपात में। तो मैं यहाँ पर आपको हर एक तरह का अनुपात समानुपात का प्रश्न यहाँ पर करवाऊँगा, तो बने रहिए साथ हमारे। और फिर से सभी साथियों से एक बार अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को शेयर करें और अपने साथियों को और इसमें जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो फिर चलते हैं आज का, और जो भी विद्यार्थी पहली बार वीडियो देख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। उससे हम ये फ़ायदा होगा कि हमारी शुरू से लेकर जितने भी हमने एकदम सीरीज वाइज क्लास ली हैं तो वो सब आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक। तो बने रहिए साथ हमारे, चलते हैं आज हम अनुपात समानुपात क्लास दो की तरफ। देखिए, कल मैंने आपको बताए थे लेकिन एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:11 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ठीक। तो हमने आपको कल बताया था, एक सवाल बताया था, इसीलिए और बता दे रहे हैं। अगर समझ में ना आया हो तो आराम से कर लेना। देखो, इसमें अक्षर कितने हैं, 1, 2, 3, इन्हीं तीनों की पूछ रहा है, तो ऐसे करके लिख लो ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक। देखिए, ए भी कितना दे रखा है, 5:7, यानी कि ए का ये 5 और बी का ये 7, ठीक है, ठीक, इतना आया समझ में। फिर दे रखा है बी सी का, दे रखा है 6:11, तो ए का कितना है 5, तो 5, ठीक, अनुपात बी कितना दे रखा है 7, ठीक है। इधर आ जाओ, बी सी दे रखा है 6:11, यानी कि बी 2 बार है इसमें, तो इसके नीचे लिख दो 6 और ये अनुपात और ये 11, ठीक, इस तरीके से हमको कर लेना है, ठीक है। अब करना क्या है, देखो ये जगह खाली है बिल्कुल यहाँ पे, और एक ये जगह खाली है, तो करते क्या है, ये बगल वाला होता ना उसी को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बगल वाला हमारा 7 था तो यहाँ पे लिख लिया। इधर देखिए, इसके बगल में क्या है, इधर तो कुछ है नहीं, इधर ही है, तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब क्या करते हैं, इनका आपस में गुणा करके नीचे लिख देते हैं, 5:30, ठीक, अनुपात 7:42, ठीक, और 11:77, ठीक है, ये आ गया इनका अनुपात। यानी कि देखिए, ये कट तो रहा नहीं है किसी से, देखिए 2 से कटेगा नहीं, 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है, 11 से ही कटेगा ओनली, और 11 से ये नहीं कटेगा और ना ये कटेगा, ठीक। तो क्या करते हैं हम, तो हमारा कितना निकल कर आया, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना आया है, 30:1, इधर लिख दो कितना आया है, 30:42:77, ठीक, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी तरह इसका दे रखा है पी क्यू बराबर दे रखा है 3:4 तथा क्यू अनुपात आर दे रखा है 8:9, तो पी और आर का क्या होगा, ठीक। तो इसको देख लो, किसका पूछा है, पी और आर का पूछा है, लेकिन अक्षर कितने हैं, पी क्यू आर 3 है, तो तीनों को हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो पी अनुपात क्यू अनुपात आर पूछा किसका है हमें, पी का और आर का, ठीक है। तो लिख तीनों का ले रहे हैं, लेकिन हमें करना क्या है, पी और आर का ही निकालना है। तो पी कितना दे रखा है 3, ठीक, अनुपात, क्यू कितना दे रखा है 4, ओके, फिर इधर आ जाओ, क्यू कितना दे रखा है 8, तो 8 4 के नीचे, फिर देखो कितना दे रखा है 9, ठीक, इतना हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं, हमने कहा था खाली जगह, इसके इधर खाली जगह है तो इधर 8 लिख दिया, इधर खाली जगह है तो इधर 4 कर दिया, तो देखो 8 + 24, ठीक, 8 +
32, 9 चौक 36, इतना निकल कर आ रहा है, कितना आ रहा है 24:32:36। ठीक, ये क्या है P, ये क्या है Q, ये क्या है R। तो हमें पूछा क्या है P और R का, तो हम इसको छोड़ देंगे Q वाले को, ठीक है, हमें क्या लेना है P और R। ठीक, तो हमने P और R उठा लिया, तो देखो इसको हमें लेना ही नहीं है, तो हमें P और R का पूछा, तो P R का देख लो, देखो ये 24 है ये 36 है, यानी कि दोनों कट रहे हैं, चाचिंग 24 और चाने 36, चार से काट दिया हमने, चार छिंग 24, 6 बार कट गया अनुपात, और इधर होता है चाने 36, तो ये कट गया 9 बार। ठीक, अब देखो फिर कट रहा है ये तुम्हारा 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो कितना निकल कर आया है इनका, यानी कि P अनुपात R बराबर 2:3। ठीक, ये क्या आया हमारा आंसर। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब देखो ये दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, A अनुपात B बराबर 8:15 है, फिर कोमा B अनुपात C बराबर 5:8 है, तथा C अनुपात D बराबर दे रखा है 4:5। तो AD का क्या होगा ये पूछा है, देखो इसमें 4 दे रखे हैं। ठीक, तो 4 वाला कैसा करेंगे वो हम आपको बताते हैं। A अनुपात B बराबर दे रखा है 8:15, B अनुपात C दे रखा है 5:8, तथा C अनुपात D रखा दे रखा है 4:5। तो AD का क्या होगा ये पूछा है। ठीक, देखो क्या करना है हमको, हमको चारों लिख लेने हैं। देखिए कैसे करके, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, इस तरीके से। ठीक, AB का कितना दे रखा है 8:15, इतना देख लेना, ध्यान से देखना। BC का दे रखा है 5:8, यानी कि 5:8, बस पहले करो इतने का। ठीक है, हमें पहले इतने का करना है, अभी हमने D का ये वाला नहीं लिया, ये वाला, ठीक, ये नहीं लिया, पहले हम इतने का करेंगे, इतना और इतना। तो क्या करते हैं, देखिए जैसे पहले करते थे, ये 15 इधर और ये 5 इधर, ठीक है, 5 अट्ठे 40, ध्यान से देखना, 15 पना 75 और 15 अट्ठे 120। ठीक, इतना हो गया। अब इसको काट के देखो क्या ये कट रहा है, ये 5 से कट जाएगा, देखिए 5 से तीनों कट जाएंगे, 5 अट्ठू 40 कट गया, 15 पना 75 ये भी कट गया, और ये 24 पंजे 120, यानी 5 दूनी 10 5 चौक 20। ठीक, कितना आया 8:15:24। ठीक, ठीक है, इतना आ गया, ये किसका आया, ए बी और सी का आया इतना। अब करना क्या है हमको, ये हमारा इतना तो आ गया, अब रह गया सी और डी, तो सी और डी कितना दे रखा था 4:5, तो देखो सी ये है ना, और डी हमारा रखा हुआ है, तो सी चार है और डी क्या है हमारे पास 5, तो यहाँ पे रखो, देखो 4:15। ठीक है, अब इसका करना है हमको, ठीक, इसका क्या करेंगे, देखो ये 24 आ गया इधर, ठीक, और ये 4 इधर, और ये 4 इधर, ठीक है, सॉरी 5 है ये, वही मैं कहूँगा, ठीक है, ए सी डी 5 दे रखा है ना, 4:5, तो 4:5 रखा हमने, तो 24 ऊपर का इधर आ गया, अब ये दो जगह खाली थी, तो 4 इधर फिर 4 इधर, ठीक है, दो जगह खाली थी, दोनों जगह हमने 4 रख दिया, तो 8 चौक 32, ठीक, 15 चौके 60, 24 चौके 1 4 चौक 16 की 6 बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 96, और 24 पंजे 120। ठीक,
ये ए का आ गया, ये बी का आ गया, ये सी का आ गया, ये क्या आ गया, डी का। हमें पूछा क्या है, ए और डी। ठीक, तो हम ए और डी का निकाल ले रहे हैं। ठीक, इधर ए अनुपात डी पूछा है ना, सॉरी बी नहीं, डी डी पूछा है। तो ए क्या है हमारा पास 32 और डी क्या है 120। ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं। जैसे 8 चौक होता है 32, 8 एकम 8, ठीक, कितना बचा है यहाँ पे 4, तो 40 हो गया, 8 पन 40, ठीक, 15 8 120। अब देखो किसी से कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, तो यानी कि ये क्या आ गया है हमारे पास में, ए अनुपात डी, ए अनुपात डी बराबर कितना आया, 4:15। ठीक है, जो पूछा था वो हमने आपको बता दिया, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अगर आप इस तरीके से इसको नहीं कर पा रहे हो तो हम तुमको एक बढ़िया तरीका बताते हैं, उससे भी आप कर सकते हो। ठीक, करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक, क्या है ए अनुपात डी, तो हमें करना क्या है, इसको बट्टे में लिख लो, ए बटे डी ऐसे करके। ठीक, बराबर एक कोष्टक लगा लो, हमें करना क्या है, देखो ऐसे करके, ए बटे बी, ए बटे बी गुणा बी बटे सी गुणा, और ये हमारा सी बटे डी, बस इस तरीके से इसको फॉलो करना है हमको। तो ए बटे डी बराबर ए बटे बी कितना दे रखा है, 8:15 गुणा बी बटे सी कितना दे रखा है, 5:8, 5:8 है ना, तो 5:8 कर दिया, गुणा सी डी कितना दे रखा है, 4:5, यानी कि 4:5। ठीक, अब करना क्या है, अब हमको काट लेते हैं इसको, देखो 8 से ये 8 कट गया, 5 से ये 5 कट गया, बचा कितना, ऊपर बचा हमारा देखो ए बटे डी बराबर कितना बचा, 4, और नीचे क्या बचा, 15। ठीक, तो अब इसको ऐसे करके लिख लो, यानी कि ए अनुपात डी बराबर कितना आया, 4:15। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि ये था, इसको हमने किया था, इसको भी ऐसे ही करके देख लो, देखिए पी क्यू 3:4 दे रखा है, क्यू आर दे रखा है इतना, तो पी और आर का पूछा, तो हमने सीधा सीधा लिख लिया पी बटे आर बराबर, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, पी क्यू दे रखा है ना, तो पी क्यू कितना दे रखा है, 3:4 मान है ही, 3:4 में, तो 3:4 कर दिया। ठीक, इधर क्यू आर दे रखा है 8:9, तो यानी कि 8:9। ठीक, इतना हो गया, अब इसको काट लो, देखो 3 एकम 3, 3 3 9, 4 2 8। ठीक, तो कितना आ गया बराबर पी बटे क्या है आर बराबर 2:3, या पी अनुपात आर बराबर 2:3, या इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में तो आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सवाल दे रखा है कि 4:3:5 बराबर है, इस तरीके का सवाल आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 4 को हमने इस तरीके से लिख लिया, जैसे कि हमें 2 लाना है, तो 2 की पावर 2। ठीक, 3:5 को हमने लिख लिया 7:2। ठीक, मतलब हमें कुल मिलाकर घात यहाँ से दशमलव वाली हटानी है, सिंगल घात लेकर आनी है। तो अब देखो हम तुम्हें समझा देता हूँ, पहले 7:2 कैसे आया, देखो 4 है ये, ठीक, 4 की घात दे रखी है 3:5, तो हमने क्या किया, यानी कि 4 की घात 3:5 है, तो 0.5 हटाया, नीचे बढ़ाया 10। ठीक, अब काट दो, 5 7 35 और 5 2 10, 7:2 हो गया। तो ठीक, यही मैं कर रहा था,
ठीक, लेकिन हमें अब ये क्या आ गया यहाँ पे, देखो 4 की घात 7/2 आ गया इस तरीके से, लेकिन हमें यहाँ पे घात सिंगल ही रखनी है जैसे यहाँ पे ये रखी हुई है, तो हम क्या करेंगे इसको इसको हम तोड़ लेंगे, जैसे 2 के पावर 2 में टूट जाएगा और फिर 7/2, 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना बचा हमारे पास में 2 की घात 7, इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, ठीक है। तो देखो अभी बता रहे हैं, तो 4 को हमने खोल लिया ऐसे करके 2 की घात 2 में, ठीक, इसको हमने लिख दिया 7/2 अनुपात 2 की घात 5, ठीक है। 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा 2 की घात 7 अनुपात 2 की घात 5, ठीक है। अब अगर इसको इस तरीके से करोगे जैसे कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया, एक मिनट, कितना हो गया देखो, 1 2 3 4 5 6, एक और ले लो 7, ठीक, यानी कि 2 की घात 7 है, तो 2 का गुणा हमने 7 बार किया, देखो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 64 और 64 × 2 = 128, ठीक, 128 हो गया, यानी कि 2 की पावर 7 का मान कितना हो गया 128। अब क्या है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 कितना, यानी कि 2 हमने यहाँ से ख़त्म कर दिए, तो हमारे पास 5 रह गए ना, तो 2 की पावर 5 है, तो हम कर 2, देखो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, कितना आ गया 32, ठीक। अब इसको अगर हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 128 अनुपात 32 आ जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो, ठीक, देखो 128 अनुपात 32 इतना आ गया, इसको हम काटेंगे, देखो 32 × 1 = 32 और 32 × 4 = 128, आंसर कितना आ गया 1:4:1, ठीक है, इतना आ गया आंसर। अगर इसको पूरा खोलेंगे तब, लेकिन हम क्या करेंगे, हम अगर ज़्यादा हो तो, अभी तो हमने गुणा कर लिया इसका, चलो और ज़्यादा होता तो एग्ज़ाम में गुणा करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो ये है 2 की पावर 7 अनुपात 2 की पावर 5, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2/2 अनुपात को बट्टे में लिख ले सकते हैं ना, ऊपर 7 और नीचे 5, इस तरीके से हमने आपको बताया था भाग में घातें घटती हैं, ठीक, तो कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास में, 2 में अगर 7 में से 5 गया तो 2 की घात 2 बचा, ठीक है, इन कुछ नहीं बचा तो पीछे क्या करेंगे 1 लगा लेंगे अपनी तरफ से, ठीक है, तो कितना हो गया 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 2/4 अनुपात 1 या इस तरीके से, ठीक, जो आपको समझ में आया हो उसको आप कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखो इस पे, इसको देखो, वैसा ही है पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ये देखा 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 और अनुपात x, तो x का मान बताओ, ठीक है। देखिए बाहर बाहर से गुणा अंदर अंदर का, ठीक है, तो कितना है, तो कितना हो गया 0.4x बराबर 1.4 × 1.4, तो कितना हो जाएगा x बराबर 1.4 × 1.4/0.4, 14 का गुणा अगर 14 में करेंगे तो कितना आ गया 196, 1 और 2 है तो 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है। नीचे क्या है 0.4, 0.4 का जब भाग देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4 × 16 यानी 4.9, ये क्या हो गया हमारा आंसर, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, x बराबर 4.9, ठीक, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये कह रहा है यदि x अनुपात y बराबर 5:2 हो तो 8x + 9y अनुपात 8x + 2y बराबर होगा किसके,
देखो एक्स अनुपात वाई बराबर कितना दे रखा है, 5:2, इसको ले लो। देखो क्या दे रखा है, 8x + 9y = 8x + 2y, ठीक कर लो। 8x कितना दे रखा है, x की वैल्यू क्या है ये 5 और y की वैल्यू क्या है 2, ठीक। तो x = 5 + 9 = 2, ठीक है, अनुपात 8 × 5 + 2 × 2, y की जगह पे y का मान लगा दिया, x की जगह पे x का मान लगा दिया। तो 8×5 कितना होता है 40 + 9 = 18, इधर 8×5 = 40 + 2 = 4, ठीक। 40 और 18 कितना हो गया 44, ठीक है। अब इसको काट दो, देखो किससे काटेंगे हम, 4 × 4 = 9, 2 से काट लो, 2 से ये कट गया हमारा, 2 × 2 = 4 और 2 × 8 = 18, 29 बार, 10 और ये कट गया, 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4, तो कितना अनुपात निकल कर आया है, 29:22, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है, क्योंकि अब ये कट नहीं रहा है, ठीक। समझ में आ गया होगा उम्मीद कर रहे हैं, चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप पे। देखिए 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा। मैंने आपको मिश्र अनुपात पिछली क्लास में बता दिया था, लेकिन अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार और देख लेना, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको, ये संख्याएं सब बाहर निकाल लो ऐसे करके, 2:3, ठीक है, फिर क्या है 6:11, फिर क्या है 11:2, ठीक। मिश्र अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहली पहली संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, जैसे कि 2 × 6 × 11, ठीक। फिर क्या करेंगे, ये बाद वाली हैं जी, इनका आपस में गुणा अनुपात लगा के, फिर 3 × 11 × 2, इनको आपस में गुणा कर लो। देखिए 11 × 6 = 66, 66 × 2 = 132 अनुपात, ठीक है, 11 × 3 = 33, 33 × 2 = 66, ठीक है। आपको पता है, देखो अब इनको काट दो, देखो 66 × 66 और 66 × 2 = 132, तो कितना आंसर आ गया अनुपात इनका, 2:1, ठीक, ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये सवाल है, ये कह रहा है कि 12 तथा 30 का तृतीय अनुपाती तथा 9 एवं 25 का मध्यानुपाती का अनुपात क्या है, यानी कि पहले तृतीय अनुपाती निकालो, फिर मध्यानुपाती, इसका मध्यानुपाती और इसका तृतीय अनुपाती निकाल कर जो आए फिर उनका अनुपात क्या होगा। तो हमने तृतीय अनुपाती पहले निकाल लेते हैं इसका, देखो तृतीय अनुपाती हमने निकालने के लिए बताया था आपको, तृतीय अनुपात निकालेंगे कैसे, देखिए 12:30 हमने बताया था समानुपात, लास्ट वाली जो संख्या होती है वही हो जाती है तीसरे नंबर पर, और ये हमारा आ गया x, ठीक। अब इसका क्या होगा, इसका गुणा होगा इसमें, यानी कि 12x, इनका होगा इसमें, यानी कि 3 × 9 यानी कि 900, ठीक है, ठीक। अब इसको ऐसे कर ले, x = 900/12, ठीक है। अब क्या होता है, 12 × 7 कितना होता है 84, बचे कितने 6, 12×5 = 60, यानी कि 12 से ये कितनी बार कट गया 75 बार, तो x = कितना आ गया 75, ठीक। ये तो आ गया इनका तृतीय अनुपाती, अब हमें इसका मध्यानुपाती निकालना है, ठीक है। तो मध्यानुपाती किसका किसका, मध्यानुपाती आपको पता है
कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में दोनों को ले लो, यानी कि 9 एवं 25, 9 गुणा 25, ठीक है। 9 किसका होता है 3 का, और ये 25 कितने का होता है 5 का, तो कितना हो गया मध्यानुपाती, यानी कि 15, ठीक, ये 15 निकल कर आ गया। अब देखिए ऊपर आया 75 और नीचे आया 15 निकल कर, यानी कि तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती का अनुपात पूछ रहा क्या होगा, तो ठीक है 75 ये रहा हमारा तृतीयानुपाती का अनुपात और ये 15 रहा है मध्यानुपाती का। अब इनका हमें अनुपात निकालना है, तो ठीक देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीय 45, 15 चौके 60 और 15 पंजे 75, 5:1, तो ये क्या आ गया हमारा निकल कर मध्यानुपाती और सॉरी तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती का अनुपात निकल कर आ गया है 5:1, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए इस तरीके के कुछ रह गए थे सवाल, तो मैं बता दे रहा हूँ, वैसे है कुछ नहीं, सिंपल है। देखिए उसमें x यहाँ पे होता था या फिर, तो इसमें बीच में दे रखा है, तो इसको कैसे करेंगे, 10:x समानुपात 24:36 हो तो x का मान बताओ, ठीक है। हमने बताया था बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर, तो ये कितना हो गया 24x बराबर 10:36, ठीक, सिंपल है, करना कुछ नहीं, बस अंदर वाले का अंदर गुणा कर दिया बाहर वाले का बाहर, तो x बराबर 10:36 बटे नीचे 24, ठीक है। देखिए ये काट दिया हमने 6×6=36 और 6×4=24, ठीक है, फिर काट दिया ये 2×2=4 और 2×3=6, 2×5=10, तो 5 और 3, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 15, ठीक, तो ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए x यहाँ पर है, तो अंदर अंदर गुणा और बाहर का बाहर गुणा, ठीक है, तो इसका भी कितना हो गया 28x बराबर 42×16, तो x बराबर 42×16 बटे कितना हो गया 28, ठीक। अब इसको काट दो, देखो सात से काटा, 7×28 और 7×6=42, ठीक है, 4×16, 6×24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 24, तो x बराबर कितना आ गया निकल कर 24, ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक। अब आ जाते हैं इसकी तरफ, ठीक, तो मैंने बताया था ये 1/4 अनुपात 1/8 समानुपात 1/3 अनुपात x, तो x का मान बताओ, तो करना क्या है, बाहर वाला बाहर गुणा हो जाएगा अंदर वाले का अंदर का गुणा, तो कितना हो जाएगा 1/4x बराबर 1/8×1/3, ठीक, इतना हो गया, तो x बराबर, ठीक, यानी क्या करेंगे इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 1/3, ठीक, बटे x बराबर है ना, x का मान कितना आ गया नीचे, ठीक। अब करना क्या है हमको, इसका गुणा कर लो, 1×1 8×24, नीचे कितना है 1/4, ठीक है। देखिए तो x बराबर 1/24, जब संख्या भाग में हो गुणा में लाएंगे तो 4 ऊपर 1 नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4×1=4, 4×6=24, तो कितना हो गया x बराबर 1/6, ये क्या आ गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
ये थोड़ा आ नहीं पा रहा है कैमरे में, इसलिए थोड़ा ओहो भाई देखिए ये आ नहीं पाया है कैमरे में, इसलिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। देखिए 28x हो गया, 28x बराबर बाहर बाहर यानी कि 16 गुणा 42, ठीक। तो x बराबर 16 गुणा 42 बटे 28, ठीक। तो जे 7 से काट दिया, 7 छिंग 42, 7 चौक 28 और 4 चौक 16, ठीक है, सही कटा। 7 छिंग 42, 7 चौक 28 और 4 चौक 16 यानी 4 छिंग 24, तो कितना x बराबर कितना आ गया 24 निकल के, ठीक है, ये इसका आंसर है। देखिए सवाल दे रखा है, दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है, ये संख्या कौन कौन सी है। ओ माय गॉड, ठीक। तो ऐसा आपने आयु संबंधी में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है, तो उसी तरीके से इसको निकालेंगे। देखिए देखिए 5 और 5:9 में दे रखी, तो इसको मान लिया हमने 5x, ठीक, दूसरे को मान लिया 9x, ठीक है। फिर क्या करना है हमको, देखिए 5x में हमने 16 जोड़ दिया, ठीक, इधर तुम्हारा कितने 9 में भी 9x प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा 3/5 के, ठीक है, गुणा कर दो, 25, 25x प्लस 16 × 80 बराबर 9 × 27 एक्स बराबर प्लस 16 × 48, ठीक। तो इधर 25x ये इधर आएगा, तो माइनस का 27x बराबर 48, ठीक है, प्लस का है ये इधर जाएगा तो माइनस का 80, ठीक। एक्स 27x में से 25x गया तो कितना बचा 2x, 2x माइनस का बराबर 80 में से 48 गए तो कितना बचा, इधर बचा 2 और इधर बचा 3, तो x बराबर 32/2 यानी कि x बराबर आ गया 16। ये माइनस का ही है, देखिए एक बार और समझ लीजिए, हमने 5x मान लिया, इसको 9x मान लिया, कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, तो 5x में हमने 16 जोड़ दिया, तो बटे में करके इनको बटे में कर लिया हमने, तो ठीक है, बटे में इसलिए किया कि 3:5 दे रखा है इसलिए, तो इसको हमने 9x प्लस इसमें भी 16 जोड़ दिया बराबर 3/5 कर लिया, तो 5 का गुणा इसमें किया 25x प्लस 16 × 80 बराबर, फिर 3 का गुणा 9 में किया तो 27x प्लस 16 × 48, ठीक है, प्लस का, अब प्लस एक्स एक्स इधर ले लिए, 25x ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 27x बराबर 48, प्लस का है ये 80 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 80 हो जाएगा, ठीक। 25x में से 27x गया तो माइनस का 2x बचा बराबर, 48 में से 80 जाएगा नहीं, तो 80 में से 48 घटा दिया तो हमने माइनस का हमारे पास कितना बचा 32, तो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, अब कितना बचा 2x 32, तो x बराबर 32/2, 32 हमने काट दिया 2 से 16 बार, तो x बराबर कितना आ गया 16, 16 निकल कर आ गया। अब ये पूछ रहा है, हाँ, तो ये संख्याएं कौन कौन सी हैं, संख्याएं कौन कौन सी थी हमारे पास 5x और ये 9x, तो यहाँ पर कर दे रहा हूँ, तो ठीक है, तो 5x बराबर यानी कि 5 × 16 बराबर कितना हो गया 80, ठीक है, दूसरा क्या था 9x बराबर यानी कि 9 × 16, ठीक है, तो 9 का गुणा 16 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, तो संख्याएं क्या निकल कर आ गई हमारे पास 80 और 144, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है।
इसी तरह इस पे आ जाओ, ये कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका योग 420 है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या है। ठीक, तो हम इनको निकाली, इनको हमने मान लिया 3x और ये 4x। ठीक, तो 3x प्लस 4x, क्योंकि योग दे रहा है ना, योग, तो जोड़ लगा दिया बीच में, कितना हो गया 420। ठीक, यानी कि 4 और 3 कितना हो गया 7x बराबर 420, तो x बराबर 420 बटे 7 6 42, यानी कि 60 बार, तो x बराबर कितना आ गया 60। ठीक, अब क्या पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है, ये वाली बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या बराबर कितना है 4x, इधर लिख दे रहे 4x। ठीक, तो 4 तो है ही हमारे पास, x कितना निकल कर आया 60, तो 6 चौक 24, यानी कि 240, ये क्या हो गया हमारा आंसर, बड़ी संख्या। ये देखिए, ये सवाल दे रखा है 76 को 7:5:3:4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा, तो इसको ऐसे अगर आ जाए तो कैसे करेंगे, देखिए इनको निकाल लो सबसे पहले 7x, ठीक, 5x, 3x और ये 4x। ठीक, ये हमने निकाल ली, इनको करना क्या है आपस में जोड़ लो, क्योंकि ये भाग हमसे पूछ रहा है इसलिए हम उसको जोड़ लेंगे। तो क्या करेंगे, यानी कि 7x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 4x, ठीक, ये कितना हो गया हमारे पास में 4x बराबर कितना दे रखा है 76, तो 1 7 5 कितना होता है 12 12 और 3 कितना 15 15 4 19, यानी कि 19x बराबर 76, तो x बराबर 76/19। ठीक, तो 19 से ये काट दिया हमने 4 बार, 19 चौके 76, तो x बराबर कितना आ गया 4 निकल कर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है तो सबसे छोटा भाग कौन सा है, इनमें से सबसे छोटा कौन सा भाग है, 3 है, तो इसको ले आओ, छोटा भाग बराबर 3x। ठीक, 3x है तो 3x से ले लिया, यानी कि 3 × x बराबर कितना है 4, यानी कि क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो साथियों आज के लिए इतना काफ़ी है, उम्मीद करते हैं कि आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। तो फिर से सभी साथियों से एक बार फिर से अनुरोध करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और अपने साथियों को इसमें जोड़ने की कोशिश करें और सब्सक्राइब करें, और आप लोग वीडियो देखते हो तो लाइक भी कर दिया करो। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर भी बताया करो, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो वो भी हमसे पूछ लिया करो कमेंट करके। ठीक, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।